जय हिंद दोस्तों, मैं आपको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सौनव सोसाइटी में। अभी मैं बिहार के रोहतास जिले के करहगर प्रखंड में एक छोटा सा गांव है बड़की खरारी, वहीं पे हम आए हुए हैं। और इस गांव में एक बहुत ही बड़ा महायज्ञ होने वाला है, तो इस यज्ञ में आसपास के जितने भी क्षेत्र के गांव हैं सभी जगह से लोग लुटेंगे। और हमारे साथ हैं मिस्टर अनूप कुमार जो यहीं पे रहते हैं। आप कुछ बताइए। अभी बड़की खरारी में 52वां महायज्ञ होने वाला है, जिसमें हम लोग अभी जस्ट तुरंत प्रस्थान करने वाले हैं, जाने वाले हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं, आपको जानकर यहाँ से डिस्टेंस जो है उस गांव का लगभग 1.5 किलोमीटर का है, तो हम लोग पैदल जाएंगे। आगे तक तो कुछ रोड है, कुछ पैदल ही चल के जाना होता है क्योंकि यहाँ पर गाड़ी चलता नहीं है। तो चलिए आपको कैसा सफर है उसको भी दिखाऊंगा, नाइट का व्यू कैसा गांव में होता तो है। तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा आगे का व्यू, जो अभी रात के 7 बजे हुए हैं, शाम के 7 बजे हुए हैं और अभी हम लोग यज्ञ के स्थान पर जा रहे हैं। साथ में हैं ये छोटे छोटे बच्चे। क्या नाम है तुम्हारे? सत्य कुमार। तुमको क्या नाम है? शिवम पटेल। शिवम पटेल। एक मजेदार बात यह है कि इस हर सोमवार के दिन यहाँ पे भंडारा किया जाता है और भंडारा में बहुत सारे लोग आसपास से लोग आते हैं। तो लगभग ये भंडारा का कार्यक्रम 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है और रात में 9 बजे तक चलता है, 9 से 10 बजे तक चलता है, जब तक कि सारे लोग खा नहीं ले। और इस जो जिस गांव में होने वाला है उस गांव का अभी आप देख सकते हैं कि लोग जा रहे हैं साथ में, जिस गांव में होने वाला है यज्ञ उस गांव का जनसंख्या लगभग 2.5 से 3 हज़ार की जनसंख्या होगा। और हमारे ख्याल से लगता है कि इस गांव में ही पंचायत है। तो दोस्तों हम लोग यहां पर पहुंचने के बाद यहां पर देख रहे हैं कि बहुत काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है और जैसा कि हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि इस तरह से भीड़ होगा। और हमारे पास में इस गाँव के लोग भी कुछ जुड़ चुके हैं, उनसे कुछ बातें करेंगे। हमारे साथ में एक भैया जुड़े हुए हैं इस गाँव से, तो सबसे पहले भैया आपका स्वागत है कि आप मेरे YouTube चैनल में। आपका क्या नाम है? विजय कुमार सिंह। विजय कुमार सिंह, इस गांव का क्या नाम है पहले, सबसे पहले ये बताइए। बड़की खरारे। बड़की खरारे। और ये यज्ञ किस चीज़ का, मतलब यहाँ पे भीड़ लगा हुआ, लोग किस लिए जुट रहे हैं? हमारे गांव में 14 फरवरी को यज्ञ होने वाला है, 52वां यज्ञ। 52 कुंड ये यज्ञ, मतलब 52 कुंड का एक बहुत बड़ा यज्ञ महायज्ञ होने वाला है। 52 गांव मिलकर। अच्छा, 52 गांव मिलकर के एक बड़ा बहुत महायज्ञ, तो बहुत ज़्यादा इसमें यहाँ पर खर्च होगा। तो 52 गांव यहाँ पे, मतलब एक प्रखंड का पूरा गाँव लगता है, मतलब उससे भी ज़्यादा लोग। चलिए बहुत हमको अच्छा लगा क्योंकि ये सनातन धर्म में, और हमारे सबसे खास बात यह है कि बिहार में लोग इस तरह से लोग जुड़ रहे हैं और धर्म के प्रति जागरूक हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा सुन के भैया। तो हाँ दोस्तों, अगर ये बिहार के रोहतास जिले के बड़की खरारी गांव में यह होने वाला है 26 फरवरी पंचमी के दिन ये यज्ञ शुरू होगा, अगर सरस्वती पूजा के दिन। अगर आप यहां पे आना चाहते हैं तो आप यहां पे बिल्कुल आ सकते हैं, यहां पे आपको रहने खाने सारे चीज़ों का व्यवस्था किया जाएगा। और हाँ, सबसे खास बात यह है कि जो यूट्यूबर जो धार्मिक कार्यक्रम करती हैं, जया किशोरी जो आप जानते ही होंगे, वो भी इस कार्यक्रम में आने वाली हैं उस यज्ञ के दिन, जो गीता प्रवचन अपना भजन कार्यक्रम करेंगी। तो आपको सबसे बड़ी बात है कि उनको देखने को मिलेगा। क्योंकि भगवान वहाँ एक साल आया है, तो हमको वैसे बहुत बड़ा गांव है, इस गांव का जनसंख्या लगभग 2500 होगा और लोग धीरे धीरे एकत्रित हो रहे हैं। यहाँ पे आरती वगैरह का प्रोग्राम रखा हुआ है। हमारे यहाँ के पूरा परिवार के सुख संपन्न रखी, यहाँ के बांध रखी, और हम चाहते हैं जितना जल्दी रवा सफर चालू हो जाए। रवा सफर नंबर बता देता हूँ, वहाँ के नया इवेंट कर निहाल बाबा, यहाँ के आर्यन
पेड़ पर अर्घ ध्वनि बहुत बहुत माता जी भगवान शिव यहाँ के तरह तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे भंडारा का जो व्यवस्था किया गया है उसका ये पंडाल लगा हुआ है। ये बहुत बड़ा पंडाल है और सबसे बड़ा बात ये है कि यहाँ इस पंडाल में इतना बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, लोगों का सैलाब है। और इधर पुरुषों का भीड़ लगा हुआ है, बच्चे बूढ़े जवान सब मिलकर के ये प्रसाद पाने के भीड़ है। और हर सोमवार के दिन पे यहाँ पे प्रसाद बांटा जाता है। प्रसाद में बनता क्या है आप देख सकते हैं, पूरी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पूरी बनाने वाले लोग इधर इस तरह से पूरी बन रहा है, बड़ी बड़ी पूड़ियाँ बनाई जा रही हैं। पूड़ी सब्जी और बूंदिया खास करके यहाँ पे प्रसाद है। तो दोस्तों हमारे साथ में कुछ सहपाठी लोग हैं। अरे मुकेश भैया है, रोशन भैया, दीपक भैया, और इधर मिस्टर लापो जी है।